वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं बीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 विकास इवोल्यूशन के बारे में समझाऊंगा। विकास इवोल्यूशन अर्थात एक क्रमिक परंतु धीमी गति से होने वाला परिवर्तन। यह परिवर्तन अनेक प्रकार की चेंजेस वातावरण में लाता है और साथ ही सजीवों की शरीर रचना, आकारिकी और देहधार्मिक रूप से भी परिवर्तन लाता है। विकास हजारों वर्षों से चला आ रहा है। हमें पृथ्वी, तारे और यहाँ तक के स्वयं ब्रह्मांड के विकास को भी जानना है। अटकलबाजियों के पूर्ण कल्पित कहानियों के क्रम को देखने सुनने के बाद हमें यह लगता है कि पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी की उत्पत्ति का विकास अलग अलग प्रकार से संभव हुआ है। परंतु वैज्ञानिक ढंग से हम अध्ययन करने जाएं तो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने पर हमें अलग तथ्य मालूम होते हैं। जीव विज्ञान के जीवन के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम अंधेरी रात में आसमान की तरफ तारे देखते हैं तो पता नहीं, ये सोचते हैं कि तारे कितने दूर हैं। हमें ऐसा लगता है कि सूरज बहुत पास है लेकिन सूरज बहुत दूर है। बाकी तारे बहुत दूर लगते हैं लेकिन वो खरेखर बहुत पास होते हैं। तो ये चीज़ें हमें पता करने के लिए साइंस का सहारा लेना पड़ता है। मात्र और मात्र अंदाज़ा लगाने से ये चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। तो यहाँ जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखें कि विकास तो ठीक है लेकिन जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत सारे लोगों की अलग अलग अटकलबाजियाँ हैं लेकिन सारी के सारी अटकलबाजी पूरी तरह से सेट नहीं होती, क्योंकि साइंस अलग दिशा में अलग अंदाज से सोचता है और पुराने जो लोग हैं वो अलग हिसाब से सोचते थे। ब्रह्मांड एक विशाल है और इस विशाल ब्रह्मांड का अध्ययन करना इतना ईजी नहीं है। सही मायने में कहा जाए तो पृथ्वी ही अपने आप में ब्रह्मांड की एक कणिका मात्र है। एक पृथ्वी जो है एक कण के रूप में है पूरे ब्रह्मांड में गिने तो, परसेंटेज में गिने तो 1% के जैसा दिखाई देता है। ब्रह्मांड अर्थात प्राचीन लगभग 20,000 करोड़ 200 मिलियन वर्ष पुराना है। यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति को ब्रह्मांड के इतिहास के साथ अनूठी रचना माना गया है। यह विशाल है। पृथ्वी की गणना करें तो मात्र कण के समान है। 20,000 करोड़ वर्ष पुराना है। आकाश गंगा तारे धूल के कण की तरह दिखाई देते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान में कमी आई, हाइड्रोजन एवं हीलियम जैसी गैसें का निर्माण हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण इन द्रव्यों का संघनन हुआ और आकाश गंगा का गठन, मिल्की वे, आकाशगंगा मतलब मिल्की वे। 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का वायुमंडल रहित गैसें वाष्प, मीथेन, अमोनिया और गलित पदार्थ के रूप में प्रस्तुत हुई। यहाँ पर परावैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा थी, अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनके द्वारा पानी को तोड़ा गया। पानी को तोड़ करके H2 और O2 में बदल दिया गया। हाइड्रोजन मुक्त वातावरण, ऑक्सीजन से NH3 अमोनिया का जोड़ाण हुआ, वह CH4 के साथ जुड़ करके CO2 बनाया, अन्य पदार्थ बनाए गए। O2 से जो O2 प्लस O2 जोड़े तो O3 प्लस हाफ O2 बनता है और ओजोन परत का निर्माण हुआ। इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण क्रमशः धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से हुआ है। हजारों वर्ष तक पृथ्वी गर्म होने के कारण वाष्प बनती रही। जैसे ही पानी बरसता, क्योंकि पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तुरंत उसकी वाष्प बन जाती थी। बरसात होती रही, पानी का निचले भागों में जमाव होता रहा। जहाँ पर नीचे वाले विस्तार थे उनमें महासागरों की रचना हुई खड्डों में। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष के बाद जीवन प्रकट हुआ। जीवन कहाँ से आया? जीवन की स्पोर नामक इकाई कई ग्रहों में पहुँची। पृथ्वी एक थी। आज भी पैनस्पर्मिया सर्व जीवाणु को पसंदीदा सिद्धांत मानते हैं। लुई पाश्चर ने सावधानीपूर्वक प्रयोग किए करते हुए प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही प्राप्त होता है। ये देखिए, लुई पाश्चर ने प्रयोग किया। 3 बॉटल लिए अलग अलग, एक बॉटल को खुला रखा, एक बॉटल को कपड़े से बांध दिया और एक बॉटल को एयर टाइट पार्चमेंट पेपर से बांध दिया। अब इन तीनों में उबला हुआ मांस रख दिया। यहाँ देखिए प्रयोग में, ये खुली बोतल है, यहाँ पर कपड़े से ढकी हुई है और यहाँ पर पेपर से ढकी हुई है। इनके अंदर उबला हुआ मांस है। सबसे पहले कीड़े उत्पन्न हुए इसमें, जो खुला हुआ था।
उनका कहना था कि ये खुला हुआ था, इसलिए सजीव आए और सजीवों ने सजीव उत्पन्न कर दिया और उसमें कीड़े पड़ गए। इसमें बहुत देर में कीड़े पड़े क्योंकि कपड़े में होकर के कपड़ों में कीड़ों को आने में देर लगी, और यहाँ बिल्कुल टाइट है तो ये इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि आजकल हम कोई भी वस्तु को एयर टाइट करके रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होती। इसी के आधार पर रूस के वैज्ञानिक ओपेन होल्डर ने रासायनिक रूप से उत्पत्ति हुई है ऐसा बताया। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, स्वत जननवाद, जीव जननवाद। जीव जननवाद का मतलब है जीव से जीव का निर्माण, स्वतः जननवाद का मतलब है स्वतः जीवन का निर्माण। लेकिन ये थियोरियाँ पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाई, और इसके साथ कुछ रासायनिक द्रव्यों के कारण आपस में मिश्रण से जैविक घटकों का निर्माण हुआ ऐसा ओपेन होल्डर ने बताया गया। इस सिद्धांत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई क्योंकि इस सिद्धांत अधिक चर्चित था। अकार्बनिक द्रव्यों में से कार्बनिक अणु बने, कार्बनिक अणु में से जीवन का निर्माण हुआ। मिलर का प्रयोग सिद्ध करता है कि हाइड्रोजन, पानी की वाष्प, अमोनिया और मीथेन आपस में मिश्रण बनाकर इसको लगातार लंबे समय तक गर्म किया जाए तो उसमें से नाइट्रोजन युक्त द्रव्यों का निर्माण, एमिनो एसिड जैसे द्रव्यों का निर्माण हो जाता है। 1953 में प्रयोगशाला में एक निश्चित टेम्परेचर पर एयर टाइट चैम्बर में, ये यूरी मिलर का प्रयोग है, ये एयर टाइट चैम्बर है, इसके अंदर यहाँ पर ये चैम्बर के अंदर ये पानी भरा हुआ है जिससे बार बार वाष्प बन रही है। ये रिएक्शन चैम्बर है, यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, सारी वायु है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और H2, ये सभी यहाँ पर मिलकर के ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दो पॉजिटिव नेगेटिव, इन इलेक्ट्रोड के ये विद्युत स्पार्क हुआ जिनके कारण यह रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद इस पानी को ठंडा किया गया और ठंडा करके नीचे यहाँ इकट्ठा कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए गहरा खड्डा जैसा है, यानी कि निचले विस्तारों में ये पानी जमा हुआ, साथ में इनमें कार्बनिक द्रव्यों का भी जमावड़ा हुआ। एमिनो एसिड जैसे द्रव्य यहाँ निर्मित हुए इस पास के अंदर। इस प्रयोग को आप होमवर्क में चित्र बनाएंगे, बुक में पेज नंबर 140 पर यह चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को एक बार होमवर्क में बनाएंगे। और विद्यार्थी मित्रों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि और अधिक वीडियो बनाने की नेक्स्ट विद्यार्थियों, यहाँ पर जो द्रव्य बने उनमें शर्करा, नाइट्रोजन बेस, वर्णक तथा वसा का निर्माण हुआ। इसके आगे जैसे ये पहले एमिनो एसिड बन गए, अब इन एमिनो एसिड के कुछ सरल घटकों द्वारा शर्करा, नाइट्रोजन बेस, वर्णक तथा वसा का निर्माण, ऐसी ही प्रक्रिया अंतरिक्ष में अनेक स्थानों पर हुई होगी। रासायनिक विकास को स्वीकृत किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि रासायनिक मिश्रण की वजह से ही सब कुछ तैयार हुआ। जीवन का प्रथम अकोशिकीय स्वरूप, अकोशिकीय मतलब बिना कोशिका वाला स्वरूप, 3 अरब वर्ष पहले यानी 300 करोड़ वर्ष पहले बना। इनके महाअणुओं का निर्माण, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, स्वयं जनन रचना को बढ़ाया होगा, यानी कि एक द्रव्य बन गया तो उसमें से दूसरा द्रव्य बना होगा। कोय सर्वेश का निर्माण हुआ पहले इनमें से कार्बन द्रव्यों में से जो अकोशिकीय स्वरूप में था। एक कोशिकीय सजीव जलीय वातावरण में रहे होंगे, जब एक कोशिकीय सजीव बना होगा, कोई कोशिका का निर्माण हुआ होगा तो वो जलीय होगी। इस सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई, इसे अजीव जननवाद कहा जाता है। दूसरा, अकोशिकीय कोय सर्वेश जो पानी में महाणु के रूप में आरएनए, प्रोटीन इत्यादि के साथ जुड़ करके कोशिकीय स्वरूप में बना होगा। यहाँ पर पानी के अंदर छोटे छोटे बुलबुले जैसे दिखाई दिए होंगे जिनमें एमिनो एसिड वगैरह होगा, इसके चारों ओर पानी की परत बनी होगी और धीरे धीरे ये कोशिका में परिवर्तित हुआ होगा। ऐसा होने में सैकड़ों हजारों वर्ष का समय लगा होगा। ये देखिए, ये तालाब है, इसमें यहाँ पर ये महाअणु के निर्माण को बताया जा रहा है। यहाँ कोय सर्वेश जैसी रचनाएँ इकट्ठी होकर के महाअणु का निर्माण हुआ होगा। निश्चित आवरण बना होगा इसके चारों तरफ और कोशिकीय रचना का निर्माण हुआ होगा लास्ट में, क्योंकि महाअणु से ये जैविक द्रव्य इकट्ठे हुए, आरएनए, प्रोटीन, इनके संघनन से कोशिकीय रचना का निर्माण हुआ। दूसरी बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो जीवन स्वरूप का विकास,
जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत के रूप में, सृष्टि के तीन सिद्धांत हैं। पहला, संसार में आज जितने भी सजीव हैं वे ऐसे ही सर्जित हुए होंगे, ऐसे मतलब आपने आप। दूसरा सिद्धांत है, उत्पत्ति के समय से ही जैव विविधता थी, ऐसी ही रहेगी। तीसरा है, पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन नए सजीव 19वीं सदी में तैयार हुई होगी। लेकिन इन सब चीज़ों को पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता। वैज्ञानिक डार्विन ने ये प्रयोग किया कि इन्होंने बीगल नामक समुद्री जहाज़ पर वैश्विक परिक्रमा की और कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए जो सजीव के उत्पत्ति और उनके उद्विकास के बारे में थे। सजीव अलग अलग भिन्नता वाले होते हैं, फिर भी उनमें समानता पाई जाती है। करोड़ों वर्ष पूर्व रहे सजीवों से मिलती जुलती होती है। क्रमशः पृथ्वी पर नए सजीव आते गए एवं पुराने सजीव नष्ट होते गए, यानी उद्विकास के कारण जो वातावरण में नहीं टिक पाए वे खत्म हो गए, जो टिक पाए वे आगे बढ़ रहे। अगर मान लीजिए अब ये कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अगर मर जाएं तो उनकी इम्यूनिटी के कारण मर जाएंगे, तो केवल जो इम्यूनिटी ज़्यादा होगी वो लोग रह जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत तेज़ धूप पड़ने लगे, गर्मी 45 से ऊपर पहुंच जाए, तो केवल वही प्रकार के सजीव प्राणी वनस्पतियाँ रहेंगी जो उस टेम्परेचर को सहन कर सकेंगी, बाकी के ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि कोई भी प्रकार की जीवन सृष्टि वातावरण में तभी रह सकती है जब वो वातावरण के प्रति अनुकूलता प्रदान करे। तो पुराने सजीव नष्ट होते गए, नए सजीवों को धीमी धीमी गति से होता रहा विकास और परिवर्तन होते रहे। पर्यावरणीय परिवर्तनों से प्रेरित होते और लक्षण आवश्यकता अनुसार प्राप्त होते गए, यानी आवश्यकता अनुसार सजीवों में लक्षणों का विकास भी होता गया एवं जितनी आवश्यकता नहीं होती वे लक्षण नष्ट होते गए, जिनकी आवश्यकता नहीं होती नष्ट होते गए। प्रकृति वर्ण यानी चुनाव, एफ्रेड वोलेस मले आर्किपेलेग्रो इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला कि सजीव पूर्वज के हिस्सेदार हैं, अलग अलग समय में विद्यमान थे, यानी कि आज भी जो लक्षण विद्यमान हैं उनके अंदर वो भी इनके अंदर कुछ लक्षण भागीदारी के रूप में साझे पूर्वज के हिस्सेदार होते हैं, यानी पूर्वजों के लक्षण तो उनके अंदर पाए जाते हैं। हालांकि ये पूर्वज पृथ्वी से इतिहास में विभिन्न समयों पर विद्यमान थे, आज हैं नहीं हैं इनका कोई भी प्रमाण नहीं है। विकास होता है, प्रमाण क्या है इसका? चट्टानों में दूसरा विकास का परिणाम है, चट्टानों में दूसरा विकास का परिणाम है। विकास होता है, विकास के परिणाम क्या है? प्रमाण देने हैं। चट्टानों में दबे हुए उनके अवशेष जमीन को काटकर निकाले गए परत के अंदर ये रचनाएं बताती हैं कि विकास धीमी गति से हुआ है। तो ये विकास के प्रमाण हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है जिनमें विकास के प्रमाण के अनुसार भू प्रॉपर्टी के अंदर, भू प्रॉपर्टी मतलब चट्टानों में दबे हुई जगह पर अर्थ क्रस्ट के अंदर दबे हुए तलछट की परतों में दबे हुए लंबे इतिहास की गवाह हैं। यहाँ पर जब खुदाई होती है तो डायनासोर के बहुत सारे प्रमाण दिखाई दिए। उपयुक्त ये डायनासोर के वंश वृक्ष के रूप में देखें तो यहाँ पर देखिए ब्रोंकियोसोरस सबसे पहले जमीन में सबसे अधिक गहराई पर ब्रोंकियोसोरस मिला, अर्थात कि ब्रोंकियोसोरस सबसे पुराना प्राणी माना गया। उसके बाद में स्टेगोसोरस जो कि बहुत ही कटीले कांटे वाला प्राणी था, मांसाहारी था, और आर्कियोप्टेरिक्स जो 1.5 अरब वर्ष पहले जीवाश्म उसका मिला है वो आर्कियोप्टेरिक्स जो पक्षी और सरीसृप के दोनों के लक्षण रखता था। इसके बाद में क्रोकोडाइलिन युग आया और क्रोकोडाइल से टेरेनोडॉन। इसी तरह से यहाँ पर ये ब्रोंकोसोरस से टायरेनोसोरस और इधर ये स्टेगोसोरस से स्टेगोसेरेपस ये प्राप्त हुआ, ट्राइसेरेटेरेपस ये इसका वंश वृक्ष है। विकास के प्रमाण इसे पैलियोन्टोलॉजी कहलाती है। विकास के प्रमाण को, विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? पैलियोटोलॉजी। और अर्नेस्ट हेकल ने भ्रूणात्मक संवर्धन दिए थे कि भ्रूण के आधार पर भी सजीवों को देखा जा सकता है कि उद्विकास हुआ है। जैसे कि देखिए कुत्ते का भ्रूण, बिल्ली का भ्रूण, गाय का भ्रूण, ये मैंने यहाँ पर बताने की थोड़ी कोशिश की है, भले बुक में नहीं दिया लेकिन यहाँ पर बताने की कोशिश की है। कोर्स में नहीं है इसने, मैंने क्रॉस भी मार दिया इसको। लेकिन यहाँ पर देखिए मेंढक सरीसृप पक्षी सस्तन सारे के सारे प्राणियों के यहाँ पर ये जायगोट होते हैं। देखिए सेम है बिल्कुल, 2N 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 2N।
सभी में सेम विभाजन होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह कोशिकाएँ बनती हैं। अलग अलग प्राणी है, सस्तन अलग है या मेढक अलग होता है, मछली भी दिखाई गई यहाँ पर। इन सभी प्राणियों की भ्रूणीय समानता होती है और इन भ्रूणीय समानता को अर्नेस्ट हेकल ने प्रस्तावित किया और इसके आधार पर बताया कि इन सभी प्राणियों के अंदर एक जैसा विकास हुआ, मतलब ये कि मछली में से ही मनुष्य के पूर्वज समान रहे होंगे। ये देखिए यहाँ पर विभाजन हुआ, यहाँ देखो थोड़ा सा अलग झालर वाला बना, ये मछली के अंदर झालर पाए जाते हैं, मेढक के अंदर भी झालर पाए जाते हैं और मनुष्य में भी झालर गर्भावस्था में पाए जाते हैं। सभी तीनों की रचना एक जैसी है लेकिन लास्ट में मनुष्य जैसा दिखाई देने लगता है, पक्षी वर्ड्स चूजे जैसा दिखाई देने लगता है। इस तरह से भ्रूण विज्ञान के प्रमाण भी ये दर्शाते हैं कि उद्विकास के द्वारा ही क्रमबद्ध रूप से सारे प्राणियों का निर्माण क्रमशः रूप से हुआ होगा। ऐसा कह सकते हैं कि मछली सस्तन प्राणियों के पूर्वज मछली ही होंगे क्योंकि बहुत सारी रचनाएं उन्हीं की जैसी पाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार इनके अंदर शारीरिक लक्षण बदलते गए। मछली के अंत तक ये टैडपोल के रूप में मछली का टैडपोल से बिल्कुल सेम टू सेम रचना है, इसको भी दिखाती है। इसके बाद में देखें नेक्स्ट टॉपिक, देखिए विकास का दूसरा प्रमाण अंगों की तुलनात्मक अध्ययन के रूप में शारीरिक एवं आकारिकी के आधार पर दिया गया कि सभी सजीवों के अंदर आए जो अंग हैं वो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से योजित हैं, जोड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ देखें आकारिक शरीर के आधार पर, जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता, मनुष्य, अग्रपांग, अस्थियाँ समान रचना में होती हैं तो अंगों की तुलनात्मक रचना का ये प्रमाण है। समजातता यानी समजाती अंग, इसमें यहां देखिए ये अलग अलग सजीवों की अस्थियां हैं, ये चमगादड़ की है, यहां पर ये चमगादड़, ये मनुष्य, घोड़ा और व्हेल, इन सभी के ये अंग ये दर्शाते हैं कि यहाँ भुजास्थि तीनों में चारों में समान है। भुजास्थि यानी कि ह्यूमरस, ये रेडियस अल्ना भी सम में है और अंगुलियास्थियाँ भी सम में है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है, यानी कि ये रचनात्मक दृष्टि से समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो रचना सदृश अंग हुए, रचना में सभी एक जैसे दिख रहे हैं। इसी प्रकार से जो वनस्पति का एग्जाम्पल है, वनस्पति के एग्जाम्पल में रचना समान है, रचना समान है मतलब जैसे यहाँ देखिए ये बोगनवेल का कंटक और कुकरबिटा के टेंड्रिल्स, दोनों का स्थान कच्छ कलिका में से निकल रहा है, यानी रचना समान है लेकिन कार्य भिन्न है। कांटा रक्षण के लिए काम करता है और टेंडल्स वनस्पति को सहारा देने का काम करती है। कुकरबिटा के अंदर ये टेंडल्स बन गए पर्ण के कक्ष में से और बोगनवेल में ये कंटक बन गया। इसी तरह से हृदय की रचना देखें तो कशेरुकी हृदय एवं मस्तिष्क मछली में दो खंड, मेढक में तीन खंड। ये देखिए यहाँ कशेरुकी में हृदय की रचना देखें तो हृदय की रचना में भी पता चल रहा है कि कशेरुकी में हृदय की रचना में मछली में दो खंड पाए जाते हैं, एक अलिंद एक निलय, मेढक में दो अलिंद और एक निलय और पक्षी और सस्तन दोनों में चार खंड पाए जाते हैं, दो अलिंद और दो निलय। क्रमशः रूप से ये विकास किए होंगे तो सरीसृप में तीन, मगर में चार, पक्षी में चार, इस प्रकार से इनकी। इसी तरह से सस्तन में भी चार खंड पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर ये पौधे का देखिए एग्जाम्पल दिया है, पौधे में रचना कार्य समान भिन्न, बोगनवेल के कंटक रक्षण का कार्य करते हैं, रचना उत्पत्ति कक्ष कलिका, कुकरबिटा में कद्दू तंतु के रूप में आधार का कार्य करता है,
रचना उत्पत्ति कच्छकलिका अलग होती है। रचना समान और कार्य भिन्न, इसमें प्रतान। तो रचना समान है, यहाँ हमें यही देखना है, रचना समान है, समजातता, इसी को कहते हैं हम समजातता। दूसरा है पॉइंट तुल्य रूपता, यहाँ चित्र में दिखाया गया ये रहा, उसके बारे में तुल्य रूपता यानी कार्य सदृश अंग, एनालॉगस, कार्य सदृश यानी कार्य समान होगा यहाँ पर। रचना भिन्न भिन्न और कार्य समान, पक्षी, चमगादड़, कीटक पंख और टेरोडैक्टाइल के पंख। पक्षी के अग्र पंख पंख उड़ने के लिए कार्य करते हैं, चमगादड़ में पूर्ण उपांग उंगली के ऊपर आया होता है, वो भी उड़ने का काम करता है, और कीटक में उपांग ही नहीं पाए जाते लेकिन क्यूटिकल के पंख उड़ने का काम करते हैं। रचना भिन्न है और कार्य समान है। यहाँ पर रचना देखिए, पक्षियों में अग्र पंख काम कर रहा है और चमगादड़ में केवल उंगलियाँ काम कर रही हैं, और ऑक्टोपस, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम, ऑक्टोपस में उपांग, पृष्ठवंशी की आँख, रचना भिन्न भिन्न है लेकिन देखने का काम करती हैं। तिलचट्टे की आँख और पृष्ठवंशी की आँख, रचना भिन्न है लेकिन कार्य एक ही है देखने का, यानी कि रचना यहाँ अलग अलग है, कार्य समान है, देखने का ही काम कर रहे हैं लेकिन रचना अलग अलग है, ऑक्टोपस की आँख और तिलचट्टे की आँख। दूसरा एग्जाम्पल है वनस्पति में, आलू तने में से रूपांतरण है, खुराक संचय करता है, और शकरकंद में ये मूल में रूपांतरण है, दोनों में खुराक संचय हो रही है, आलू और शकरकंद दोनों के अंदर खुराक संग्रह हो रही है, ये शकरकंद है और ये आलू है, दोनों में खुराक संग्रह हो रहा है लेकिन ये तने में से हो रहा है और ये मूल में से हो रहा है। तो रचना भिन्न हुई, कार्य समान हुआ, खुराक संचय।